नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हाथ की उंगलियों की बनावट के आधार पर कौन सी उंगली आपकी लंबी है और कौन सी उंगली आपकी छोटी है। इस चीज़ का अध्ययन करके किसी के भी भविष्य को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। मनुष्य के हाथ की उंगलियों के अध्ययन से जाना जा सकता है मनुष्य का भविष्य, जानी जा सकती है उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं, और जाना जा सकता है उसका मूलभूत स्वभाव। तो चलिए, आज हम आपको, चूँकि हाथ की चार उंगलियां चार ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको आज हम हाथ की उंगलियों के बारे में बताएंगे और कौन सी उंगली लंबी या छोटी होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव उसका पड़ता है। चारों उंगलियों का अलग अलग विश्लेषण आज की वीडियो में मैं करूंगा। यह जानकारी सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से होगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं तर्जनी उंगली से। ये बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। अगर ये उंगली आमतौर पर यहाँ तक होनी चाहिए, ये मध्यमा के सेकंड पौर्वे से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है किसी की बृहस्पति की उंगली, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, यहाँ मध्यमा के दूसरे पौर्वे से नीचे है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के गुण ना के बराबर होते हैं। पहली पहचान है, ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की बहुत बड़ी कमी होती है, जल्दी घबरा जाते हैं। दूसरा, बृहस्पति सुख के कारक हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख बहुत कम होता है। आयु के 26 वर्ष के बाद में ऐसे लोग आमतौर पर दुखी होते देखे गए हैं। ऐसे लोगों की दूरदृष्टि नहीं होती, बहुत बड़े चिंतक और विचारक नहीं होते। और जिनकी बृहस्पति की उंगली नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल लाइफ, पर नॉर्मल से थोड़ी सी लंबी अगर यहाँ तक है, थोड़ी सी ज़्यादा इसके नाखून के लगभग आसपास तक है मध्यमा के, तो ऐसे लोग अपने जीवन में कम संसाधनों के होते हुए भी सुखी रहते हैं। आयु के 28वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। अध्यापन के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, धार्मिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। बृहस्पति की उंगली लंबी और मजबूत होने पर व्यक्ति आमतौर पर सुखी देखे गए हैं। दोस्तों, यदि ये तर्जनी उंगली थोड़ा सा घुमाव, बहुत से लोगों की ऐसे घुमाव लिए मुड़ी रहती है हल्की सी, तो अगर तर्जनी उंगली का घुमाव ये इधर को है, शनि की तरफ को है, तो समझ लेना चाहिए कुंडली में शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, जिससे व्यक्ति के गृहस्थ सुख में कमी आती है। बात करते हैं मध्यमा उंगली की। दोस्तों, ये मध्यमा उंगली शनि का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मध्यमा उंगली बहुत ज़्यादा गांठदार नहीं है, मांसल है, सुडोल है, देखने में सुंदर है और नॉर्मल लंबाई है, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कैरियर में बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयु के 24वें वर्ष में ही ऐसे लोगों को अपने व्यापार में, बिजनेस में सफलता मिल जाती है या अच्छी नौकरी मिल जाती है, कुल मिलाकर के सेटल हो जाते हैं। और यह उंगली यहाँ से गांठदार होने पर, यहाँ से मांस कम है, यहाँ से मांस कम है, यहाँ से बीच में से गांठदार है, यहाँ से गांठदार है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है, ऐसे व्यक्तियों को अपने करियर में बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी लगने के बाद छूट जाती है, व्यापार चलने के बाद उसमें घाटा आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें शनि की उंगली पर निर्भर करती हैं। अगर शनि की उंगली आपकी ठीक ठाक है, मांसल है, और साथ में आपकी भाग्य रेखा भी, शनि के नीचे जो रेखा होती है वह भी बढ़िया है, तो आगे बढ़ने से व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अनामिका उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य हमारे जीवन में कला, जो हमारे जीवन में एक आर्ट होता है, बोलने की कला, डांसर, सिंगर, एक्टर एंड जो भी व्यक्ति के जीवन में एक कला का क्षेत्र है, मान सम्मान का क्षेत्र है, उसका संबंध सूर्य से है। तो अगर सूर्य की उंगली आम तौर पर, ये देखिए, यहाँ तक होती है, इतनी होती है, आम तौर पर इतनी होती है, इतनी है तो मध्यम फल, अगर इतनी से कम है और टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपमान का सामना करना पड़ सकता है। और ये उंगली बहुत छोटी होने पर व्यक्ति को जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है कभी कभी, ये छोटी होने पर। और ये उंगली अगर व्यक्ति की बहुत लंबी है, ये देखिए,
आमतौर पर यहाँ तक होती है, मेरी भी थोड़ी ज़्यादा लंबी है नॉर्मल से, तो ये दोनों लगभग मिली हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं और पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोगों के जो मूलभूत गुण हैं वह नॉर्मल से कुछ थोड़े से ज़्यादा विकसित हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, सूर्य की उंगली लंबी होने के साथ साथ अगर ये सूर्य रेखा भी हाथ में अच्छी स्थिति में है, लाइन ऑप्शन, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत बड़े स्तर पर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य की उंगली टेढ़ी मेढ़ी होने पर, गांठदार होने पर और सूर्य रेखा कटी हुई होने पर व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता और उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं अनामिका उंगली की। ये बुध का प्रतिनिधित्व करती है, बुधम बुद्धिमताम श्रेष्ठ है। ये नॉर्मल तो इतनी होती है जितनी आपको मेरे हाथ में दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इससे थोड़ी छोटी है तो व्यक्ति ये बुध के गुण उसके अंदर कम हो जाते हैं और आमतौर पर ऐसे आदमी बुद्धिहीन पाए जाते हैं। नॉर्मल से कुछ थोड़ी लंबी होने पर व्यक्ति के अंदर बुध के गुण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी की यह उंगली कनिष्ठा उंगली नॉर्मल से कुछ थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो ऐसे लोगों का सौंदर्य बना रहता है। ऐसे लोग 45 साल के होकर भी 26 साल के दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे का जो मासूमियत है, सुंदरता है, तेज है, वो कहीं नहीं जाता, जो कि बुध राजकुमार है। और बुध के गुण जीवन में ज़्यादा होने पर व्यक्ति की सुंदरता बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं व्यापार के। व्यापार में ऐसे लोग कभी मार नहीं खाते। व्यापार में ऐसे लोगों को घाटे का सामना भी ना के बराबर करना पड़ता है। लेखन में, कवित्व में, कविता पाठ में, कविता लिखने में, पुस्तक लिखने में ऐसे लोगों को महारत हासिल होती है। प्रेम संबंधों में भी ऐसे लोग आमतौर पर सफल होते देखे गए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली ना, ये सबसे छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, गांठदार है, मांसल नहीं है और थोड़ी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा छोटी है, तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों के मामले में भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। और बहुत जल्दी आयु के 22-23 साल के बाद में उनके चेहरे की सुंदरता चली जाती है। तो दोस्तों, यह मैंने सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपको उंगलियों से कैसे आप व्यक्ति के मूलभूत गुणों के बारे में जान सकते हैं जानकारी दी। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।